हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्लो स्टडी में। देखिए, आज हम एक बात करेंगे इस वैकेंसी के बारे में जो बिहार से आई हुई है, और यह है आपका बिहार लोक सेवा आयोग की वैकेंसी, जिसमें कि कुछ खनिज विकास पदाधिकारी के बारे में जो है भूतत्व सेवा में, इसमें जो है कि खनिज विभाग के जो अधिकारी हैं उनकी वैकेंसी आई हुई है। तो उसका विज्ञापन संख्या यहाँ दिया हुआ है 5/2020, जिसमें कि देखिए कुछ कुछ कोटी है, कौन कौन सी सीट के बारे में उसके बारे में बात करेंगे, कितना परसेंटेज किसके लिए आरक्षित है वो बात करेंगे, कौन कौन इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और एवरेज फॉर्म फिलिंग की वेबसाइट क्या होगी, क्राइटेरिया क्या होगी, इन सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से करेंगे। तो वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए पूरा अंत तक जरूर देखें। देखिए, इसमें जो है अनारक्षित वर्ग, मतलब आपको बता दिए कि वैकेंसी जो है वो है आपका किस चीज़ के लिए, तो खनिज सेवा पदाधिकारी। किसके लिए है? खनिज सेवा पदाधिकारी। तो खनिज सेवा पदाधिकारी के लिए टोटल यहाँ पर आपका 20 सीटें रिक्त हैं, जिसमें कि कौन कौन से कोटि के हैं, तो अनारक्षित वर्ग यानी कि जनरल कैटेगरी वालों के लिए 8 है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS वालों के लिए 2 है, अनुसूचित जाति OBC के लिए 3 है, SC के लिए 1 है, ST के लिए मिसमैच हो गया थोड़ा सा, अनुसूचित जाति यानी कि SC के लिए 3 है, ST के लिए 1 है, फिर OBC के लिए 4 है, BC के लिए 2 है, और फिर पिछड़े वर्ग की जो महिलाएं हैं उनके लिए यहाँ पे कुछ स्पेशल सीट नहीं दिया गया है। टोटल यहाँ पे 20 सीट है, और कुछ 35% जो क्षैतिज आरक्षण है जो महिलाओं के लिए जो है अनुमान्य पदों के लिए, ये लगभग 5 है, तो ये सभी के लिए अप्लीकेबल नहीं होगी, क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही होगी। अब देखिए, जो भी PWD कैंडिडेट हैं उनके लिए, जो DD में आते हैं उनके लिए सिर्फ 1 सीट है, उसके बाद फिर आपका वेतनमान जो है ये CPX लेवल आपका 9 के अनुसार होगी। अब इसके लिए आपको शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए, तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको दूसरी यानी कि सेकेंड डिग्री से भी MSc होनी चाहिए, किसमें? भूगर्भ विज्ञान में उपाधि, और फिर संदर्भ भूगर्भ विज्ञान में MTech और खनन अभियंत्रण में उपाधि, सेकेंड क्लास MSc इन ज्योग्राफी, अप्लाइड ज्योग्राफी, MTech इन ज्योग्राफी या डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग। अब देखिए, इसमें कुछ नोट दिया गया है दो, एक है अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी में वर्णित सेक्शन, मतलब अगर यहाँ कुछ मिस्टेक होती है हिंदी में तो फिर वो क्या होगी, इंग्लिश वाली ही मान्य होगी। उसके बाद उम्र सीमा जो है मिनिमम 21 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम 37 वर्ष होनी चाहिए, जिसमें कि पिछड़े वर्ग की महिलाओं एवं अनारक्षित जो महिलाएं हैं उन सभी के लिए 40 वर्षों तक की होगी, 3 वर्ष की एक्स्ट्रा होगी, और जो पुरुष या महिलाएं जनजाति यानी कि अनुसूचित जनजाति में आते हैं उनके लिए 42 वर्षों की मापदंड तय होगी। उसके बाद फिर कार्मिक प्रशासनिक आयु सीमा में छूट देने का दावा जो है उसके अनुसार, मतलब मानिए 3 साल की कुछ की गई है। हम देखिए, फिर दिव्यांगता का दावा करने की स्थिति में विहित प्रपत्र के सक्षम प्राधिकार द्वारा, जिसमें कि आपको कुछ कुछ इसमें दिया गया, जैसे मानिए कोई भूतपूर्व सैनिक थे उनकी उम्र सीमा में छूट का है कुछ प्रावधान। फिर चयन प्रक्रिया देखिए कैसे होता, चयन किया जाएगा तो लिखित परीक्षा से होगा एवं साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू होगा ही आप लोगों का। फिर लिखित परीक्षा में आपको कम निम्न अंक का, जैसे कि मानिए क्रामिक प्रशासन जैसे, इसमें के लिए आपको क्या दिया गया है, ऑन एन एवरेज अनारक्षित जो भी OBC वाले हैं, सॉरी जनरल वाले हैं, उनके लिए 40 है प्रतिशत के लिए, फिर पिछड़ा वर्ग वालों के लिए 36.5% है, और फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग वाले जो है उनके लिए 34% है, फिर अनुसूचित जनजाति एवं महिला तथा विकलांगों के लिए 32% है, फिर पात्र उम्मीदवार जो होते हैं उनके लिए देखिए कार्यक्रम सामग्री क्या क्या है, आपको सिलेबस के बारे में थोड़ा पढ़ा बता देते हैं। तो सिलेबस के बारे में देखिए कि यहाँ पर है आपका विषय जो है सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान से टोटल आपको 100 नंबर की परीक्षा होगी, जिसमें कि 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा और सभी ऑब्जेक्टिव माध्यम से होंगी, और पाठ्यक्रम इसमें जो संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता के प्रश्न अध्ययन सामान्य अध्ययन के ऊपर ही होगी, यानी कि जनरल कंपटीशन के ऊपर। अब देखिए फिर क्या है आपका कि खनन, खनन में जो है आपका इसके लिए 100 नंबर की होगी, 1.5 घंटे की परीक्षा होगी, और ये सब क्या होगी, विषय निश्चित लिखित होगी, जिसके के लिए माइनिंग इंजीनियरिंग का सिलेबस होगा, इसमें कि ड्रिल एंड ब्लास्टिंग होगा, मैकेनिकल 1/3, 1/0, 1/3, फिर माइन सर्विंग 1 होगा, फर्स्ट पेपर होगा, फिर होगा इंट्रोडक्शन टू माइनिंग, फिर माइनरोलॉजी, फिर पेट्रोलॉजी एंड स्ट्रेगियोग्राफी, ठीक है, उसके बाद फिर माइन होगा, सर्विंग होगा, जियोलॉजी ऑफ माइनिंग इंजीनियरिंग, सरफेस माइनिंग, सरफेस माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन, ये सभी होगी। उसके बाद जाके फिर आपका जो है अगला, आप देखिए यहाँ पर क्या है नेक्स्ट में, इकोनॉमिक्स का होगा, फिर माइन लिस्टेनिंग का होगा, या फिर भूतत्व वाले जो हैं उनके लिए 100 मार्क्स होगी, फिर 1.5 घंटे की परीक्षा होगी, ये सभी क्या होगी, विषय निष्ठ होगी यानी कि सब्जेक्टिव होगी। इसमें क्या होगी कि जियोलॉजी से होगी स्ट्रक्चर जियोलॉजी, उसके बाद फिर मिनरोलॉजी एंड क्रैस्ट्रोग्राफी, फिर इग्नेलस, फिर पेस्ट्रोलॉजी, फिर मेकानोफोरिक, फिर पेट्रोलॉजी एंड थर्मोडाइनमिक्स, फिर जेमेटोग्राफी एंड जेमेटोनिक्स, फिर जनरल एंड फिर स्ट्रेटिग्राफी, फिर जियोलॉजी फ्यूल जियोलॉजी होगा, फिर एनवायरमेंटल होगा, जियोलॉजी एंड नेचुरल हजार्ड्स होगा, फिर क्या कहते हैं रिमोट सेंस होगा, फिर GIS,
इन ज्योग्राफी होगा, इंजीनियरिंग जियोलॉजी होगा, ठीक है, इन सभी के ऊपर। अब ये सभी आपको पाठ्यक्रम के अनुसार वेबसाइट पे उपलब्ध होगी। वेबसाइट आपका है https://www.bpsc.bih.nic.in पे। देखिए नेक्स्ट है आपका कि खनिज नीति तथा संबंधित अधिनियम नियमावली विनियम आदि जो भारत विद्यमान है उनके लिए 100 का है और उसमें 1.5 घंटे समय दी जाएगी। ये सभी क्या होगी आपका वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव होगी, जिसमें कि आपका सिलेबस देखिए समझ लीजिए माइंस के ऊपर है, फिर बिहार मिनरल्स के ऊपर होगा, फिर आपका मिनरल कंजर्वेशन होगा, उसके बाद एंड डेवलपमेंट रूल 2017 के ऊपर, फिर माइन एक्स 1962 के अनुसार होगा, फिर बिहार एंड उड़ीसा पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट 1914 के तहत होगा, और ये सभी आपके वेबसाइट पर दिया गया है। अब देखिए जो भी उम्मीदवार होते हैं उन सभी में से इन दोनों में से यानी कि खनन या भूतत्व विषय भूतत्व विषय में से किसी एक का चयन करना होगा। साक्षात्कार होगा कितने का, 50 अंक का होगा इसमें, और इसका जो मेरिट लिस्ट होगा मेरिट लिस्ट दिया जाएगा। इसमें देखिए आरक्षण क्या होगा, जो भी बिहार के निवासी उनके अनुसार आरक्षण होगी, और आरक्षण के लिए जो आपको दो डॉक्यूमेंट्स मस्ट लगे, एक जाति प्रमाण पत्र, एक होगी अस्थायी निवासी कहाँ के बिहार के जिसको डोमिसाइल प्रमाण पत्र कहते हैं, इन सभी के लिए आरक्षण एप्लीकेबल होगी। और ये भी अंचल अधिकारी के अकॉर्डिंग की नौकरी है, बहुत ही अच्छी लेवल की नौकरी। यहाँ पर देखिए अनुसूचित जनजाति यानी कि SC शेड्यूल कास्ट, ST हो गया आपका अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल ट्राइब ST हो गया, फिर आपका अति पिछड़ा वर्ग यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास EBC हो गया, फिर आपका हो गया पिछड़ा वर्ग यानी बैकवर्ड क्लास BC हो गया, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि EWS यहाँ पे मेंशन हो गया। फिर क्या कहते हैं, थोड़ा इसको अच्छा से देख लेना है। अब देखिए आगे की बात करते हैं, तो आगे ये है कि आपका ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम जो है अपने अनुसार होगी, डेटाबेस में आप ऑनलाइन के अनुसार कीजिएगा। फिर इसमें देखिए क्या क्या आपको लग जाता है, तो मैट्रिक का प्रमाण पत्र लगेगा जिसमें कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट हो, फिर उसके बाद अंक प्रमाण पत्र यानी मार्कशीट होगा जन्मतिथि के साथ, फिर विज्ञान के अनुसार शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र लगेगा, फिर विज्ञापन के अनुसार जो है आपको उम्र सीमा में छूट के दावा करने के लिए जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट अगर आप पिछड़ा वर्ग आते हैं पिछड़ा वर्ग से आते हैं वो सभी के लिए लगेगा, फिर पिछड़ा वर्ग आते हैं पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जनजाति ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगी, और आर्थिक रूप से कमजोर वाले के लिए EWS लगेगी, या फिर केंद्र सरकार के द्वारा जैसे मानिए कोई ऐसे हैं कि जो कहीं पर पब्लिक सेक्टर पर काम करते हैं तो उनके लिए NOC लगेगी। क्या लगेगी? NOC, उनके लिए NOC का प्रावधान है, उनको अपना NOC सब्जेक्ट ये करना है। फिर आपका जो भी होगा नंबर प्रतिशत के अनुसार किसमें होगा तो CGPA के तहत होगा, ठीक है। अब देखिए फिर नेक्स्ट चलते हैं आपका शुल्क के ऊपर, तो शुल्क आपको जो है सामान्य अभ्यर्थी जो उनके लिए कितने की है 750 रुपये की है, उसके बाद जाके फिर केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जनजाति वालों के लिए छूट है, अदर स्टेट वालों के लिए छूट नहीं है, इसमें आपको 200 रुपये का है। फिर बिहार राज्य के स्थायी निवासी है जो भी सभी हैं और आरक्षित अनारक्षित में जो भी आते हैं उन सभी के लिए भी 200 रुपये है। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 40% या उससे अधिक जो दिव्यांग है उनके लिए फिर 200 रुपये है। अन्य सभी उम्मीदवार जो भी बसते हैं उन सभी के लिए 750 रुपये का चार्जेस पेएबल होती है। अब देखिए आप नेक्स्ट में चलते हैं, तो नेक्स्ट आपका कि ऑनलाइन माध्यम से आपको पेमेंट करना है, कॉपी कोड्स होंगी, और आपसे यही हम कहेंगे कि अगर फॉर्म को भरिएगा तो अच्छे से पूरा अच्छी तरह से फिल करके भरिएगा, कहीं भी अगर त्रुटि आए तो फिर वो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। अगर आप सही से नहीं भर पाते हैं तो आप हमें अपना सारा डॉक्यूमेंट्स मेल कीजिएगा, हम आपके लिए फॉर्म फिलअप करा के आपको उसका रिसीविंग भिजवा देंगे। बाकी इसका सिलेबस के बारे में अगर आपको कुछ जानना पूछना हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम उसका आपका सही सही सॉल्यूशन देंगे। और ये नोटिस जो है 22/4/2020 का था, ये रीओपेंड है जिसमें कि आपको सारा फॉर्म्स आप फिलअप कर सकते हैं। इसका जो PDF का लिंक्स है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज के लिए इतना, जय हिंद, जय भारत।